ना समय सीमित है, इसलिए से है ना किसी और की जैसे है ना जिंदगी जीने के लिए ना फालतू व्यर्थ मत करिए। बेकार का ना अपने बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अपनी जिंदगी में ना दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में आप है ना अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए बिल्कुल भी। अपने इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए, अपने खुले विचारों से पथ की ओर आगे बढ़ो बस। यदि आप है ना वीडियो की संगत करते हैं ना तो आप गुर्राना सीखते हैं, और अगर आप गरुड़ों की संगत करते हैं ना तो शिखरों को छूना सीखेंगे। कहते हैं ना दोस्तों कि जो आईना होता है ना वो इंसान का चेहरा होता है, एक तरीके से चेहरा दिखाता है वो इंसान को, वो एक तरीके से उसका एक प्रतिरूप होता है। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस मैन मोटिवेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने अपने जीवन में अगर कुछ नियम बना रखे हैं ना जीने के, तो उनको ना उनमें बंध के मत रहिए आप, कि एक बार जो रूल बना लिए आप उन रूल को ही फॉलो करते चलेंगे चाहे सक्सेस मिले ना मिले। आप उन रूलों में से जो रूल आपको अलग लगे ना उनको तोड़िए, फिक्स मत रखिए, उनको तोड़िए, उनमें कुछ नया जोड़िए, और उनको जोड़ के आप भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों एक साइंटिस्ट है मेलविन इवांस, उन्होंने ना एक बात कही है कि भविष्य का निर्माण वे ही लोग कर सकते हैं जो ये जानते हैं कि उनकी लाइफ में श्रेष्ठ चीजों का यानी अच्छी चीजों का आना अभी बाकी है। वही लोग अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, और अगर जो लोग फालतू का व्यर्थ सोचते हैं ना कि यार भविष्य में ये बुरा हो जाएगा वो बुरा हो जाएगा, वो भविष्य का तो कुछ कर ही नहीं पाते, साथ में अपने वर्तमान को बेकार कर जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको दोस्तों, यदि आपको रेत भरी तस्तरी में से लोहे का बुरादा अलग करना हो तो आप किस फॉर्मूले को अजमाएंगे? क्या आप बुरादे में हाथ डाल के उसको अलग करते हुए चलेंगे? नहीं दोस्तों, आप उस तस्तरी में ना लोहे की चुंबक उससे आप इकट्ठे करेंगे ना, सेम मेहनत का वही रूल है। लोहा सफलता है और बुरादा असफलता है, तो वही आदमी इसको अलग कर पाएगा जो जुनून से, जुनून नामक चुंबक होती है जिसको आपकी तरफ आकर्षण करती है। दोस्तों जिंदगी एक है ना दौड़ है, और दौड़ है ना तो होड़ है बस, और होड़ का मतलब ये नहीं होता कि फर्स्ट स्थान पर ही आप आओ, होड़ का मतलब होता है कि आप उस रेस में बने रहो। दोस्तों जिंदगी की रेस से जो बाहर होते हैं ना अपनी मर्जी से, वो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, ये पक्की बात है। मतलब एक तरीके से समझ लो कि अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो बस इतना ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन।